वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज के लेक्चर में हम प्राइस डिलीवरी साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने स्ट्रक्चर मैपिंग को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, और वो हमने इतनी डिटेल में स्टडी किया कि हम किसी भी टाइम फ्रेम पे अब अपना स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मीन के ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। और जब भी हमें किसी मार्केट का ट्रेंड पता लग जाए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है, यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंट्री टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें पता हो कि फॉरेक्स मार्केट में प्राइस का डिलीवरी साइकिल क्या है, मतलब प्राइस किस रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी मार्केट प्राइस डिलीवर करती है। तो आज से हम जितने भी लेक्चर स्टडी करेंगे वो सब एंट्री टेक्निक्स के लिए होंगे, जिसमें हम उसकी बेसिक को स्टडी करेंगे और वन बाई वन हम इसकी एडवांस अप्रोच को देखते जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्राइस डिलीवरी साइकिल। अब जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री टेक्निक्स को स्टडी करेंगे, तो माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि मेजर स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू जब हम अपना ट्रेंड फाइंड कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद हम डायरेक्टली किसी पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं, क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है? तो मैं आपको एक बार बताता चलूं कि जितने भी लोग फॉरेक्स मार्केट में शॉर्टकट्स को फाइंड करते हैं, शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं, वो मोस्टली उन 95 ट्रेडर्स में आते हैं जो मोस्टली फेल होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि शॉर्टकट लेने वाला ट्रेडर ना तो मार्केट की नॉर्म्स को समझता है, ना फॉरेक्स मार्केट की उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, ना वो फॉरेक्स मार्केट के एनवायरनमेंट को समझता है, ना उसके रिस्क और रिवार्ड को समझता है। तो इसी वजह से वो स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद अगर डायरेक्ट एंट्री टेक्निक्स को स्टडी करेगा या एंट्री लेना चाहेगा तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेकेंड रीज़न क्या होती है, जब कोई बंदा फॉरेक्स मार्केट के बारे में सुनता है तो फॉरेक्स मार्केट में वो अपने रियल फंड इन्वेस्ट करने के बाद या तो वो कोई सिग्नल प्रोवाइडर ढूंढता है जो बंदा उसको सिग्नल दे, या फिर वो ऐसी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ढूंढता है जो उनके अकाउंट के फंड्स मैनेज करे। तो दोनों कंडीशंस में फेलियर उनका सबब बनती है। उसकी क्या रीज़न है, मैंने जैसा कि पहले बताया, क्योंकि उनको मार्केट की नॉर्म्स का नहीं पता, मार्केट में जो रिस्क इन्वॉल्व्ड है उसका नहीं पता। तो बेसिकली जो शॉर्टकट्स लेगा, शॉर्टकट लेने वाला ट्रेडर कभी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता। ये हो सकता है कि आज वो शॉर्टकट्स लेके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बना ले, कुछ दिनों के लिए प्रॉफिट बना ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकता। इसलिए टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, टू बी अ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर, आपको एक कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करना पड़ता है। उसमें हम क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हम देखेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट कैसे प्राइस डिलीवर करती है, और उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि फिर हमारी एंट्री टेक्निक्स लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसलिए एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए हम इस कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हम कौन सी चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद अब हम स्टडी करेंगे प्राइस थ्योरी। अब बेसिकली प्राइस थ्योरी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेड हो रही है वो किसी भी पेयर की प्राइस है। यानी फॉरेक्स मार्केट में मेजोरिटी करेंसी ट्रेड होती है, उसके बाद कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, उसके बाद एसेट्स ट्रेड होते हैं, उसके बाद बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। तो हर चीज़ की सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस को ट्रेड करते हैं, और उस प्राइस के साइकिल, उस प्राइस की साइकोलॉजी, उस प्राइस की नॉर्म्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम प्राइस थ्योरी को समझें। अब उस प्राइस थ्योरी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट अपने आप को कैसे डिलीवर करती है, जो कि आज का हमारा लेक्चर भी है, जिसे हम कहते हैं प्राइस डिलीवरी साइकिल। उसके बाद हम देखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन बेसिकली क्या होते हैं, इसकी सिंपल सी मैं आपको लॉजिक बताऊं तो जब आप लोग कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हम उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदें, ठीक है, और जब आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आपकी कोशिश होती है हम उसको हाई रेट पर बेचें, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम प्राइस पर बेचें। तो यही जोन हम स्टडी करेंगे कि ये जोन फाइंड कैसे करते हैं और इसका मार्केट की एंट्री पे क्या इफेक्ट होता है। सेकेंडली उसके बाद हम स्टडी करेंगे बाय जोन और सेल जोन। बाय जोन और सेल जोन में हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी वाइड क्या होती है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ प्राइस थ्योरी। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इस प्राइस साइकिल का वहाँ क्या इफेक्ट है, यानी मार्केट उस वक्त किस फेज में ट्रेड कर रही है। अगर हमें पता लगेगा कि मार्केट उस साइकिल के एक इस वाली स्टेज पे है तो हमें पता होगा कि नेक्स्ट स्टेज ये वाले आने वाली है, जो कि हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। लेकिन प्राइस थ्योरी का एंट्री टेक्निक्स में खासा रोल है, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन थ्योरी। अब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट में जब कोई कैंडल बनती है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है,
कौन सा प्राइस इंजन वर्क कर रहा है और वो किस किस फेज से गुजरता है और ये कैंडल कैसे बनती है। यानी अगर आपको कैंडल की फॉर्मेशन की थ्योरी समझ आ जाए, कैंडल की फॉर्मेशन की थ्योरी को आप समझ लेंगे, कैंडल कैसे बनती है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, तो आप प्राइस थ्योरी को इजीली अंडरस्टैंड करते हुए एक अच्छी एंट्री मैप आउट कर सकते हैं। अब प्राइस थ्योरी के बाद सबसे जरूरी चीज आती है मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो एनालिसिस बेसिकली कहते हैं मार्केट को लार्ज स्केल पे स्टडी करना, बड़े टाइम फ्रेम पे स्टडी करना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए मार्केट को एनालाइज करना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीओटी रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, कुछ लोग इसे कॉट रिपोर्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा ब्रीफली, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब सीओटी बेसिकली ये है कि जितने भी हमारे कमर्शियल हेजर्स हैं, जितने भी बिग इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो वीकली एक रिपोर्ट सबमिट करवाती हैं सीएमई को। अब सीएमई क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सीएमई बेसिकली क्या करता है, उस रिपोर्ट में एनालाइज करता है कि किसी भी कंपनी ने, किसी भी हेजर कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने या बैंक ने किसी भी पेयर के ऊपर कितनी ज्यादा लॉन्ग पोजिशन ओपन की हैं या कितनी ज्यादा शॉर्ट पोजिशन ओपन की हैं, उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट बनती है जिसको हम कहते हैं सीओटी रिपोर्ट। इस चीज का हमें क्या फायदा होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ओपन फ्लोट और ओपन इंटरेस्ट, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। अब ओपन इंटरेस्ट बेसिकली है कि स्मार्ट मनी का किस पॉइंट पे फोरेक्स में किसी चीज को ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट का बढ़ना या कम होना, यानी आया कि उस पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी की वहां इंटरेस्ट कम हो गई है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट उसका इंक्रीज हो रहा है तो हम फिर देखेंगे कि स्मार्ट मनी का यहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है किसी चीज को बाय या सेल करने में, उसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट बेसिकली आपको पता है कि हर करेंसी के ऊपर एक खास इंटरेस्ट रेट है हर कंट्री में। अब उस इंटरेस्ट रेट की वजह से किसी भी मुल्क की करेंसी की स्ट्रेंथ की इंडिकेशन मिलती है कि उसके उस मुल्क की करेंसी कितनी मजबूत है या कितनी वीक है। तो हम इस चीज को स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट रेट होता क्या है और इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट। अब बेसिकली किसी भी मुल्क में बॉन्ड मार्केट भी ट्रेड हो रही होती है, अब उस बॉन्ड मार्केट का फॉरेक्स पे क्या इफेक्ट है वो हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ट्रेजरी नोट्स, जिसे हम टी नोट्स भी कहते हैं। और फाइनली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सीजनल टेंडेंसी। सीजनल टेंडेंसी एक बहुत मजेदार टॉपिक है, इसमें बेसिकली हमें ये पता चल जाता है कि अगर साल में 12 महीने हैं तो फॉरेक्स मार्केट हर महीने में क्या करती है, मतलब जनवरी में उसका क्या ट्रेंड रहता है, फरवरी में क्या ट्रेंड रहता है, मार्च में क्या ट्रेंड रहता है। तो बेसिकली हमारे पास 40 साल का हिस्टोरिकल डाटा है जिसको हम स्टडी करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट की सीजनल टेंडेंसी क्या होती है। उसके बाद आते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। अब इंटर मार्केट एनालिसिस में जैसा कि आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट में हर करेंसी एक पेयर की फॉर्म में है, जिस तरह यूरो वर्सेस डॉलर, पाउंड वर्सेस डॉलर, डॉलर वर्सेस येन या यूरो वर्सेस कैट, तो हर करेंसी एक पेयर की फॉर्म में है। और जहां भी किसी दो चीजों का आपस में रिलेशन हो तो हम उसे कहते हैं इंटर रिलेशन। इसी वजह से हम कोरिलेशन में देखेंगे कि जो भी हम पेयर ट्रेड करना चाह रहे हैं उन दोनों पेयर्स का आपस में क्या रिलेशन है, उन दोनों की मार्केट इंडिविजुअली कैसे चल रही है, उसमें से कौन सी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। तो यहाँ हम कोरिलेशन मार्केट में इस चीज को डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉरेक्स मार्केट में एंट्री लेने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। ठीक है, आपने इंडिकेटर्स की डाइवर्जेंस पढ़ी होगी, लेकिन मैं उन पे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स टूल हैं। हम देखेंगे स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस के, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस को देखते हुए हम किस पेयर पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो सकती है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाने के लिए स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। अब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर करेंसी का अपना इंटरेस्ट रेट होता है, अब उस इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को देखते हुए हम उसके कंपैरिजन को बनाते हुए किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करके एक अच्छी रेट बना सकते हैं। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ सीजनल टेंडेंसी, जो हमने मंथली बेसिस पढ़ा, उस पर हम दोनों करेंसी के पेयर में बनने वाले जो भी दोनों करेंसीज हैं उनके हम सीजनल इफेक्ट को देखेंगे और उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैप आउट करेंगे। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट अवेटेड और मैं कहूँगा कि हाईली वैल्यूएबल टॉपिक, जिसे हम कहते हैं प्राइस एंड टाइम थ्योरी। अब प्राइस एंड टाइम थ्योरी में बेसिकली वीकली प्रोफाइल्स और डेली प्रोफाइल्स को स्टडी करेंगे। अब वीकली प्रोफाइल और डेली प्रोफाइल क्या है, वीकली प्रोफाइल में हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक हफ्ते में अगर 5 दिन ट्रेड करती है तो उन 5 दिनों में मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है और वीकली कैंडल कैसे बनती है।
मतलब अगर एक वीकली कैंडल बन रही है तो मंडे को प्राइस किधर जाएगी, ट्यूसडे को कहाँ जा सकती है, ये हम उसकी प्रोबेबिलिटीज को स्टडी करेंगे। उसके बाद आती है डेली प्रोफाइल। अब डेली प्रोफाइल में बेसिकली है, जैसा कि फोरेक्स मार्केट अगर 24 घंटे ट्रेड करती है तो उस 24 घंटे में मार्केट का पहले एक घंटा क्या ट्रेंड रहता है, अगले दो घंटे क्या रहता है, फिर तीन घंटे बाद मार्केट का क्या बिहेवियर है, छः घंटे बाद क्या है, दस घंटे बाद क्या है। तो बेसिकली डेली प्रोफाइल में हम ये स्टडी करेंगे कि मार्केट का प्राइस के ऊपर टाइम का क्या इफेक्ट है, कि हर टाइम के ऊपर प्राइस क्या कर सकती है, जिसे हम कहते हैं प्राइस एंड टाइम थ्योरी। और प्राइस एंड टाइम थ्योरी में हम स्टडी करेंगे एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन और इनके लॉजिक्स और इनके पीछे छुपे हुए राज, कि बेसिकली क्या रीजन है जिसकी वजह से हम एशियन सेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, फिर लंदन की बढ़ती है, फिर न्यूयॉर्क सेशन की, और ये आपस में कैसे इंट्रालिंक है और कैसे ट्रेड करते हैं, वो हम प्राइस एंड टाइम थ्योरी में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली हम देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, ये जो हमने चार चीजें स्टडी की हैं, प्राइस थ्योरी, मैक्रो एनालिसिस, इंटर मार्केट और प्राइस एंड टाइम थ्योरी, इन चीजों को हम समराइज करके अपना टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अपना सेटअप डिजाइन करेंगे, फिर ट्रेड लेने के बाद हम देखेंगे ट्रेड को मैनेज कैसे करना है और अपना अच्छा रिस्क को रिवार्ड कैसे मैनेज करना है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्राडे स्कैल्पिंग, क्योंकि मुझे पता है कि हम जैसे ट्रेडर जो होते हैं ये काफ़ी इंपेशेंट होते हैं, कुछ लोगों में सब्र ज़्यादा होता है, पेशेंस उनमें काफ़ी होती है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आजकल फंडेड अकाउंट का कंसेप्ट चल रहा है, लोग फंडेड अकाउंट ले रहे हैं जिसमें आपने रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी अकाउंट को जल्दी पास आउट करना होता है, तो उसके लिए इंट्राडे और स्कैल्पिंग एक बेहतरीन टूल है। उसके लिए भी हम देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, सेटअप डिजाइनिंग और रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट रोड मैप है, ठीक है, जो बंदा इस कंप्लीट रोड मैप को फॉलो कर लेगा वो उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंप्लीट रोड मैप में सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास जो रिमेनिंग है, स्ट्रक्चर मैपिंग के अलावा प्राइस थ्योरी, मैक्रो एनालिसिस, इंटर मार्केट, प्राइस एंड टाइम और उसके बाद सेटअप डिजाइन करना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मैं बिलीव आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आपको दोबारा फोरेक्स मार्केट में किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जिसमें जहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आप एक अच्छी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना के एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड डिजाइन करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के ऊपर सब लेक्चर्स इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में अवेलेबल हैं। ये हर बार बताने का बेसिकली पर्पज ये होता है, कुछ लोगों का लैंग्वेज कंसर्न है, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ आती है, कुछ लोगों को उर्दू और हिंदी समझ आती है, तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेसिकली जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं प्राइस डिलीवरी साइकिल की। प्राइस डिलीवरी साइकिल को स्टडी करने से पहले हम प्राइस के एलिमेंट्स स्टडी करें। एलिमेंट्स का मतलब है कि बेसिकली कौन सी चार चीज़ें हैं जिसकी बेस पे प्राइस का एक साइकिल बनता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कंसोलिडेशन, जिसे हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट। सेकेंड है एक्सपेंशन, जिसे हम ट्रेंड भी कहते हैं, मार्केट ट्रेंडिंग कर रही है, मार्केट एक मेजर ट्रेंड में फॉलो कर रही है, उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। थर्ड है रिट्रेसमेंट, जिसे हम पुल बैक भी कहते हैं। और फाइनली रिवर्सल, रिवर्स का मतलब है जहां मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो बेसिकली ये वो चार एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर मार्केट का साइकिल डिजाइन होता है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करने के बाद मार्केट के साइकिल को देखेंगे कि मार्केट अपना साइकिल कैसे फॉलो करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन ये होती है कि जब भी मार्केट प्राइस किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती है, यानी जब एक मार्केट एक डिफाइंड रेंज में मूव कर रही होती है, तो हम कहते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन से हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, यानी मार्केट अभी एक ट्रेंडिंग रेंज में मूव कर रही है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो सबसे पहले कंसोलिडेशन ये बताती है कि मार्केट में होने वाली मूव कितनी स्ट्रॉन्ग होगी या कितनी सॉलिड होगी। यानी ये कैसे इस चीज़ की इंडिकेशन मिलती है, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जहाँ कहीं कंसोलिडेशन होगी वहाँ मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है। अब वो कैसे क्रिएट करती है? क्योंकि मैंने बताया कि कंसोलिडेशन को हम ट्रेडिंग रेंज भी कहते हैं, तो जहां कहीं ट्रेडिंग रेंज होगी वहां जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएंगे उसकी बोथ साइड पे। यानी अगर मार्केट दो पॉइंट के दरमियान रेंज कर रही है तो ब्रेकआउट ट्रेडर उसकी अपर साइड पे, यानी कि जब मार्केट का हाई ब्रेक होगा, या उसकी लोअर साइड पे कि अगर मार्केट लो ब्रेक करती है, तो दोनों साइड पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स टैग करते हैं। और जितनी क्वांटिटी में अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाएंगे वो ये चीज़ डिफाइन करेगी कि मार्केट ने कितनी लिक्विडिटी क्रिएट की है। और जिस कदर लिक्विडिटी क्रिएट होगी
उसी स्पीड से उतनी ही स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव बनाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि कंसोलिडेशन बेसिकली ये बताती है कि मार्केट में होने वाली मूव या इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद जो भी मार्केट मूव करेगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो हमेशा हम कंसोलिडेशन के बाद एक बिग मूव एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक बड़ी मूव करने वाली है। और एक बात आप याद रखें कि प्राइस डिलीवरी साइकिल का स्टार्ट कंसोलिडेशन से होता है, इसलिए यहां मैंने मेंशन किया इट्स द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग, यानी प्राइस डिलीवरी साइकिल का स्टार्ट ही कंसोलिडेशन से होता है। अब कंसोलिडेशन देखने में कैसे होती है, ये देखें मार्केट अब दो पॉइंट्स के दरमियान रेंज कर रही थी, अपर और लोअर लेवल के दरमियान। तो रिटेल ट्रेडर अपर लेवल को अपनी रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं और लोअर लेवल को अपनी सपोर्ट कंसिडर करते हैं। इसलिए जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर है वो उसकी अपर साइड पे जब पेंडिंग ऑर्डर लगाता है तो वहां भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और जब लोअर साइड पे लगाता है तो वहां भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और इस कंप्लीट रेंज को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, अब इसकी कैंडलस्टिक डायग्राम कैसे है ये देखें। अब मार्केट जब बिल्कुल एक टाइट रेंज में मूव कर रही होती है, यानी कैंडलस्टिक फॉर्म में कंसोलिडेशन कुछ ऐसे नजर आती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन बेसिकली साइन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन है कि मार्केट जब ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को शो करती है हम उसे कहते हैं कि मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, लेकिन इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सपेंशन और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में। एक्सपेंशन बेसिकली जहां भी होगी वहां प्राइस एक क्विक मूव शो करेगी, यानी इन फॉर्म ऑफ स्पीड या आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और ये मोस्टली कंसोलिडेशन के बाद आती है, यानी जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगी तो उसके बाद मोस्टली एक्सपेंशन होती है, और वहां प्राइस की जो मूव होगी वो बहुत क्विक होगी, काफी तेज होगी। अब एक्सपेंशन की क्या अहमियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली जहां भी एक्सपेंशन होगी वो इस चीज की इंडिकेशन होगी कि वहां स्मार्ट मनी ने वर्कआउट किया है, यानी एक्सपेंशन बेसिकली इंडिकेशन ऑफ फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी, यानी स्मार्ट मनी जिस पॉइंट पे एंटर होती है वहां मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करती है, एक क्विक स्पीड से मूव करती है, एक डिस्प्लेसमेंट शो करती है, और ये मोस्टली कंसोलिडेशन के बाद होता है। और जहां कहीं एक्सपेंशन होगी वहां हम अपना एंट्री जोन फाइंड करेंगे। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि जहां कहीं एक्सपेंशन का स्टार्ट होगा, यानी जिस पॉइंट से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है उसके करीब करीब हम अपना एंट्री जोन फाइंड करेंगे। उसकी ये रीजन है कि वहां अगर स्मार्ट मनी एंटर हुई है तो उसके करीब हमारा एंट्री जोन होने से हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। और हमारे एंट्री जोन क्या हो सकते हैं, बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइड्स, प्राइसिंग बैलेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, फेयर वैल्यू गैप्स, यानी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसा कि ये कि कंसोलिडेशन फेज था, यहां भी मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की, यहां भी क्रिएट की, और अगर लोअर साइड पे लिक्विडिटी ज्यादा है तो मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपोजिट साइड पे मूव करेगी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट उन लोगों को समझ आया जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप का लेक्चर स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ जब मार्केट ने इस साइड से लिक्विडिटी ग्रैब की उसके बाद मार्केट ने अपने आप को एक्सपेंड किया, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। और यहाँ अगर आप नोट करें इस पॉइंट पे तो ये वही पॉइंट है जो लिक्विडिटी स्वीप में हमने स्टडी किया था कि मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, जिसे रिटेल ट्रेडर्स मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है एक्सपेंशन का। अब हम इसको कैंडलस्टिक फॉर्म में स्टडी करते हैं कि कैंडलस्टिक फॉर्म में रियल मार्केट सैंपल साइज कैसे नजर आता है। ये देखें आपके सामने एक पैटर्न है। अगर आप इस चीज को देखें कि मार्केट कैसे एक छोटी सी रेंज में मूव कर रही है तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के अबव एंड बिलो लिक्विडिटी है, और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को एक्सपेंड किया, ये एक्सपेंशन थी। अब इसके बाद इस पॉइंट को नोट करें, ये पॉइंट ये क्या है, मैनिपुलेशन, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, और यहां मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि एक्सपेंशन के स्टार्ट में जहां से मार्केट ने अपने आप की एक्सपेंशन स्टार्ट की है, यानी कि अभी इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, वहां हम अपना एंट्री जोन देखेंगे। तो यहां देखें ये बेसिकली क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसे लोग सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं, या आप अपना पीवाई भी कह सकते हैं, बाय जोन भी कह सकते हैं। तो ये कहां होता है, ये उस पॉइंट पे होता है जहां से मार्केट की एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन से पहले हमारा एंट्री जोन होता है, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड, फेयर वैल्यू गैप, प्राइस इंबैलेंस, लिक्विडिटी डिवाइड कुछ भी कह सकते हैं। इस चीज को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट्स को हम पुलबैक भी कहते हैं,
अब ये कहाँ आते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट एक मेजर ट्रेंड में मूव करती है या मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करती है तो उसके बाद मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स बनाती है जिसे हम रिट्रेसमेंट्स भी कहते हैं और या करेक्शन भी कहते हैं। और रिट्रेसमेंट मोस्टली एक्सपेंशन के बाद होती है। अब इसको करेक्शन क्यों कहते हैं, इसके हम इंपोर्टेंस में स्टडी करेंगे कि रिट्रेसमेंट को करेक्शन क्यों कहते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करती है, रिट्रेसमेंट उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए यूज़ होती है। अब रिट्रेसमेंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि हमने अभी बताया कि प्राइस इम्बैलेंस के लिए, और ये प्राइस इम्बैलेंस की कुछ टाइप्स हैं, लिक्विडिटी वाइड या फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जिसे आप FVG भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये लिक्विडिटी वाइड की एक रिफाइंड फॉर्म है। इस चीज़ को हम भी आगे काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसकी एक लाइन स्कीमेटिक डायग्राम है, जब भी मार्केट एक्सपेंड करती है, काफ़ी स्पीड से मूव करती है, तो यहाँ कहीं जो भी प्राइस इम्बैलेंस होगा, मार्केट छोटे छोटे पुल बैक बना के उस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी, यानी करेक्शन करेगी। ये सारा रिट्रेसमेंट फेज में होता है। अब हम इसकी एक रियल सैंपल साइज एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें, आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट पे कि मार्केट ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, और जहां कहीं एक्सपेंशन होती है वहां प्राइस इम्बैलेंस छोड़ जाती है, जिसे हम लिक्विडिटी वॉइड भी कहते हैं। अब बेसिकली प्राइस इम्बैलेंस क्या है, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ने तीन बाई कैंडल्स बनाई हैं, यानी इस जोन में कोई भी सेल साइड कैंडल नहीं है। तो इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट किया, और हमने यही स्टडी किया कि रिट्रेसमेंट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बनती है। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी वाइड थी या प्राइस इम्बैलेंस था, और ये ग्रे एरिया चेक करने जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। मार्केट ने छोटे छोटे पुल बैक्स बनाए, रिट्रेस किया और इस लिक्विडिटी वाइड को फिल किया, और दोबारा अपने जेनरल डायरेक्शन में, ओरिजिनल ट्रेंड में मूव कर दी। इसलिए रिट्रेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है कि जहां कहीं फेयर वैल्यू गैप होगा या लिक्विडिटी वाइड होगी, वहां अगर मार्केट रिट्रेसमेंट की फॉर्म में आएगी तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट प्राइस इम्बैलेंस को बैलेंस करने आ रही है, करेक्ट करने आ रही है, कवर करने आ रही है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट का छोटा सा कंसेप्ट है। इसको आगे एंटी टेक्निक्स में कैसे अप्लाई करना है, ये हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सल। रिवर्सल बेसिकली ये बताती है कि फोरेक्स मार्केट में प्राइस अपना कब ट्रेंड चेंज कर रही है, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही थी, अप जा रही थी, उसके बाद किस पॉइंट पे डाउन आई है, उस चीज को हम कहते हैं रिवर्सल। यानी मार्केट जब बुलिश से बेरिश हो जाती है या बेरिश से बुलिश हो जाती है, उसे हम अपना रिवर्सल पॉइंट कहते हैं, जैसा कि हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर में स्टडी किया। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली है कि जितने भी ट्रेंड ट्रेडर्स हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपना बाय या सेल मॉडल डिजाइन करते हैं मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो रिवर्सल उनके लिए एक वार्निंग होती है कि भाई मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब अपना बाय या सेल मॉडल अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो ये उन लोगों के लिए अहमियत कहाँ मिला जो ट्रेंड ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब रिवर्सल मोस्टली होती कहाँ है, जैसा कि हमने स्वीप बेस मॉडल में पढ़ा कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लिक्विडिटी स्वीप करके अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो वहां रिवर्सल होती है। इसीलिए रिवर्सल उस पॉइंट पे होगी जहां कहीं मार्केट लार्ज लिक्विडिटी पूल को ग्रैब कर लेती है। ठीक है, जहां कहीं मार्केट लिक्विडिटी को हंट डाउन करेगी, तो उसके बाद रिवर्सल हो सकती है। अब ये इसकी एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम है, जहां मार्केट पहले बुलिश थी, उसके बाद बेरिश होगी, और ये जो पॉइंट है जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड 100% चेंज किया, उसे हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। अब हम इसकी एक कैंडलस्टिक डायग्राम देखते हैं। अब ये देखें, ये सारी मार्केट पहले बुलिश थी, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ डबल टॉप बनाया, या आप कहें इंजीनियर लिक्विडिटी की, तो मार्केट ने बाद में इसको स्वीप आउट किया, इस लिक्विडिटी पूल को स्वीप किया, क्योंकि हर हाई हर लो पे लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट ने इस हाई के ऊपर जितनी लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया और अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो ये जो पॉइंट है जहां से मार्केट चेंज हुई है लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद, इसे हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। अब हम बात करते हैं प्राइस साइकिल की। तो प्राइस साइकिल के लिए हमने ये चार एलिमेंट स्टडी कर लिए कि कंसोलिडेशन क्या होती है, एक्सपेंशन क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, और रिवर्सल क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स मिलकर प्राइस साइकिल कैसे बनाते हैं। प्राइस साइकिल का मतलब ये है कि जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि इस फेज के बाद मार्केट कंसोलिडेशन के बाद किस फेज में मूव कर सकती है, एक्सपेंशन के बाद किस फेज में जा सकती है, और रिट्रेसमेंट के बाद किस फेज में जा सकती है। तो इस चीज को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कि मार्केट के लिए फिर जरूरी होता है कि उस साइकिल को फॉलो करें। तो अब सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं
कि पहला साइकिल क्या बनता है। सपोज करें कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी, तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मोस्टली अपने आप को एक्सपेंड करती है, और जब मार्केट अपने आप को एक्सपेंड करती है तो उसके बाद मार्केट मोस्टली अपने आप को रिट्रेस करती है, छोटे छोटे पुल बैक्स बनाती है, और रिट्रेसमेंट के बाद चांस होता है कि मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सके, और जब रिवर्सल आ जाए मार्केट में तो उसके बाद मार्केट दोबारा कंसोलिडेट करती है। अब यह है एक साइकिल जिसमें कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन, मार्केट इसी साइकिल में मूव करेगी। लेकिन अगर हम किसी ऐसे चार्ट को देख रहे हैं जहां कहीं एक्सपेंशन थी, तो वहां फिर चांस होता है कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करेगी, क्योंकि हमने पहले साइकिल में यही स्टडी किया कि एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है, या वापस मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। एक्सपेंशन के बाद अगर मार्केट ने अपने को कंसोलिडेट किया है तो उसके बाद चांस होता है कि मार्केट रिवर्स करेगी अपने आप को, और अगर वहां रिवर्सल होगी तो उसके बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। अब इस साइकिल को जरा गौर से देखें, यहां मैंने टू वे एरो लगाए हैं कि यहां से इस तरफ भी जा सकती है मार्केट और वापस भी आ सकती है। सिमिलरली यहां देखें, सिमिलरली यहां और सिमिलरली यहां, यानी ये जो सारी स्टेट्स हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, और मार्केट हमेशा एक फेज से दूसरे करीब तीन वाले फेज में जाएगी। यानी कंसोलिडेशन के पास अगर मार्केट पहले एक्सपेंड की है तो चांस है कि मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट में जाए, या एक्सपेंशन के बाद दोबारा कंसोलिडेशन फेज में आ जाए। इसी तरह मार्केट अगर एक्सपेंशन फेज में है तो पहला चांस है कि मार्केट रिट्रेसमेंट में जाए, या रिट्रेसमेंट से एक्सपेंशन में आए, या एक्सपेंशन से दोबारा कंसोलिडेशन में चली जाए, और कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन में। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइस साइकिल, और मार्केट मोस्टली इसी साइकिल में मूव करती है। अब यहाँ थोड़ी सी एक और बात करते हैं कि बेसिकली ये साइकिल इनवैलिड कब हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि मार्केट हमेशा अपने करीब तीन वाले फेज में जाएगी, यानी कंसोलिडेशन के करीब एक्सपेंशन है या रिवर्सल है, तो मार्केट इन दोनों फेज में सबसे पहले जा सकती है। इसी तरह एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने अगर किसी फेज में जाना होगा तो या वो रिट्रेसमेंट होगी या वो कंसोलिडेशन होगी, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल स्टेट्स हैं। एक बात याद रखिए कि एक्सपेंशन के बाद मार्केट डायरेक्टली रिवर्सल जोन में नहीं जा सकती, कि मार्केट ने अभी अगर अपने आप को एक्सपेंड किया है तो बहुत कम चांस होता है कि मार्केट अपने आप को उसी वक्त रिवर्स करे, ये साइकिल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में नहीं जा सकती। तो इस क्रॉस का क्या मतलब है कि ये स्टेट्स डायरेक्टली अपने आप को एक दूसरे के साथ डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकती, यानी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं हो सकती और एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल नहीं हो सकती। तो अब आपको ये प्राइस साइकिल समझ आ गया होगा कि बेसिकली प्राइस साइकिल में मार्केट फिर कैसे मूव करती है, कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हो सकती है, रिट्रेसमेंट हो सकती है, रिवर्सल और कंसोलिडेशन, या इसका ऑपोजिट एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, या रिवर्सल, या रिट्रेसमेंट और फिर एक्सपेंशन। लेकिन ये स्टेट्स आपस में, ये एलिमेंट्स आपस में डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकते। कंसोलिडेशन के बाद कभी रिट्रेसमेंट नहीं होगी और एक्सपेंशन के बाद कभी रिवर्सल नहीं होगी। और अगर कहीं मार्केट में अब नॉर्मेलिटी आती है, क्योंकि ये फोर्स मार्केट है, हम सिर्फ रूल डिफाइन कर सकते हैं, हम साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, बहुत कम हो सकता है, 100 में से सिर्फ 2% हो सकता है कि मार्केट कहीं डायरेक्टली इन फेज में चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा अपने साइकिल को फॉलो करेगी। अब हम इनकी कुछ लाइव रियल मार्केट सैंपल साइज देखते हैं जिसमें हम इस चीज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, इस साइकिल की बात करते हैं। ये एक रियल मार्केट सैंपल साइज है, तो यहां देखें हमें जो स्टार्ट मिला, यानी इस चार्ट का जो स्टार्ट था वो बेसिकली क्या था, वो एक मार्केट एक्सपेंशन फेज में थी। मार्केट इस पॉइंट से यहां तक काफी स्पीड में मूव किया है, काफी बड़ी कैंडल बनाई है, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के बाद मार्केट वापस किस फेज में जा सकती है, कंसोलिडेशन। तो ये फेज चेक करें, यहां मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद दोबारा मार्केट एक्सपेंशन में जा सकती है। तो ये चीज चेक करें, मार्केट ने दोबारा अपने आप को एक्सपेंड किया। तो इसका मतलब है कि जो भी करीब तरीन स्टेट हैं, जो भी करीब तरीन एलिमेंट्स हैं, वो अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं, कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन, अगेन कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन और अगेन एक्सपेंशन। अब हम एक और केस स्टडी देखते हैं। इस केस स्टडी में देखें, हमने तीन चीजों को लिया है कि सबसे पहले अगर हम कंसोलिडेशन,
एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट देखें तो ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकती हैं। अब ये आपके सामने एक रियल मार्केट सैंपल साइज है, तो यहां देखें मार्केट स्टार्ट में क्या कर रही है, कंसोलिडेट, ठीक है, एक खास रेंज में मूव कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन। तो यहां देखें मार्केट ने अपने आप को क्या किया, एक्सपेंड किया, जो मार्केट ने एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन के बाद क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक्स। ये देखें मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट बनाई। रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा क्या हो सकता है, या तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता था, जो कि हमारी अभी हमने साइकिल में स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता था। लेकिन यह अगर चेंज ऑफ करेक्टर या रिवर्सल नहीं हो रही तो फिर क्या हो सकता है, दोबारा मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये फेज देखें मार्केट दोबारा एक्सपेंशन फेज में चली गई। तो यहां से आपने देखा कि प्राइस किस तरह साइकिल में मूव करती है, कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, अगेन रिवर्सल, अगेन एक्सपेंशन, और यही हमारे साइकिल का हिस्सा है। अब इस पॉइंट पे नोट करें, अब ये वो पॉइंट है जहां मार्केट ने इस कंसोलिडेशन की एक साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर एक्सपेंड किया, फिर रिट्रेस किया और फिर एक्सपेंड किया, ठीक है। तो ये प्राइस साइकिल इस तरह मूव करती है कि कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट टू अगेन एक्सपेंशन। तो होपफुली आपको ये प्राइस साइकिल समझ आ गया होगा। इस साइकिल को अंडरस्टैंड करें, प्राइस कभी भी इस साइकिल के बिना मूव नहीं कर सकती। अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड या स्ट्रक्चर मैपिंग के रिलेटेड या जो भी चीज़ आज तक हमने स्टडी किया उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।